पानथेड़ी प्रकरण में 24 घंटे की समझाइश के बाद उठाया युवती का शव। मामले में 5 जनों को लिया पुलिस हिरासत में। पूरे दिन चला घटनाक्रम, कई बार भीड़ हुई उग्र, पुलिस के साथ भी हुई झड़प, जिला के आला अधिकारी रहे मौजूद। सायला उपखंड के पानथेड़ी में युवती की संदिग्ध मौत के प्रकरण में सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को दिन भर चली गहमागहमी के बाद आखिर शाम को कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एसपी श्याम सिंह के हस्तक्षेप के बाद शांत हो गया। मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को सुबह से ही क्षेत्र सहित जिले भर में देवासी समाज के लोग व अन्य लोगों का पुलिस थाने के बाहर जमा होना शुरू हो गया था, जो पुलिस थाने के आगे स्टेट हाईवे को जाम करने की कोशिश करने लगे थे। पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सियाग व थानाधिकारी सवाई सिंह ने समझाइश कर रास्ते को खुलवाया। बाद सांसद देवजी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर BCMO डॉक्टर रघुनंदन बिश्नोई के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आदि की जानकारी ली। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह एवं उपाधीक्षक सियाग से घटना व पुलिस कार्रवाई की जानकारी ली। वही सियाग ने पुलिस द्वारा परिजनों की रिपोर्ट आधार पुलिस की ओर से किए जा रहे अनुसंधान की जानकारी दी। वही सांसद ने निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही। आक्रोशित भीड़ बार बार रास्ते जाम करने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें पुलिस बार बार हटाती रही। साथ ही एक बार पुलिस के साथ झड़प हुई, भीड़ द्वारा वाहनों के साथ तोड़फोड़ की। सायला में स्थिति तनावपूर्ण होने पर जिले भर सहित जालौर से पुलिस बल सायला पहुंचा। वहीं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता व पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह सायला पहुंचे। अस्पताल के बाहर समाज के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उत्तेजित होने पर सीधे थाना पहुंचे। इस दौरान बागुड़ा SDM बरदोला शेखावत, भिनमाल डिप्टी लाभूराम चौधरी, तहसीलदार मदनाराम पटेल, सांचौर थानाधिकारी अरविंद कुमार पुरोहित, नायब तहसीलदार गणपत सिंह जोधा, RFP के प्रदेश उपाध्यक्ष सताराम जी देवासी, पूर्व राज्य मंत्री भूपेंद्र देवासी, युवा नेता गोपाल देवासी, युवा नेता तेजराज सिंह धीरा, गजेंद्र सिंह कुंडल, हजाराम हरमू, शुराराम मोकणी, कृष्ण चौराऊ, थानाराम पाथेड़ी और सरपंच मीरा देवी मौजूद रहे। वहीं देर शाम कलेक्टर SP के आह्वान आश्वासन पर परिजन व अन्य समाज बंधु शव उठाने को राजी हुए। साथ ही पुलिस के 5 संदिग्ध पूछताछ के लिए थाना लाए गए। ये था पूरा मामला। पाथेड़ी निवासी एक युवती गुरुवार को सवेरे घर से निकली थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। इस दौरान शुक्रवार को पेड़ पर एक युवती के फंदे पर झूलने की जानकारी मिली। परिजनों ने रिपोर्ट में सामूहिक बलात्कार के बाद शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया था। सचेरे भाई ने पुलिस रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी सचेरी बहन मजदूरी का कार्य कर रही थी। गांव के ही रत्नाराम पुत्र हट्टाराम मेघवाल युवती का पीछा कर मोबाइल पर जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट में रत्नाराम समेत 4 अन्य पर शक जाहिर करते हुए हत्या की आशंका जताई। अपने को तो मिनट में कहते हैं कि आप वहां उतावला बोल रहे थे, इसलिए आप एस पर
निर्दोष का ये भी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो दोषी है उन दोषियों को सजा मिले। इस बात से किसी निर्दोष को मिल सकता क्या जिंदगी हुई? और ठीक है, हम बैठे हैं, कोई ध्यान नहीं, ऐसा कोई वहां पे कुछ नहीं कर रहा।